स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? तो आज है 10वां रोज़ा और मैं और तनवीर रोज़े में हैं। तो आज इफ्तारी में मैं बनाने वाली हूँ चिकन चीज़ पॉकेट्स, जो कि चिकन के तो सारे डिशेस तनवीर के, मतलब कुछ भी आप दो, कबाब रोल और स्प्रिंग रोल कुछ भी, मतलब चिकन में तो मतलब वो पागल है ना तनु। तो चलो उसकी तैयारी मैं कर रही हूँ, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, इंग्रेडिएंट्स क्या यूज़ होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलते किचन में। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं किचन में और मैं आपको बताऊँगी अभी जो चिकन पॉकेट्स बनाने वाली हूँ उसकी रेसिपी। तो हमने लिए हैं यहाँ पे 1/2 kg चिकन, ठीक है, ये ऐसे क्यूब्स में कटे हुए, ठीक है। इसमें मैंने थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट लगा के रखी हूँ। ये है 1/2 kg चिकन और एक या इसकी हाफ शिमला मिर्च हमें रिक्वायरमेंट होगी। ब्राइटनेस क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मैंने पैन में डाल दिए हैं और 1 बड़ी प्याज मैंने ली हूँ, इसे बारीक फाइनली चॉप करेंगे हम लोग और बाकी का मैं बताती हूँ कि क्या। तो जैसे ही ऑयल गर्म होगा, तो ये इफ्तार के लिए मैं बना रही हूँ आज चिकन पॉकेट्स। तो इसमें आप चीज़ भी ऐड ऑन कर सकते हो इस मसाले में, वो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ कि कैसे क्या करना है। तो फिलहाल हमारा तेल गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे प्याज, और अच्छे से थोड़ा से सोते होने देंगे मीडियम हाई फ्लेम में। और मैं और तनवीर, तो 1 या 2 चीज़ मतलब नॉनवेज के, बाकी का मैं, क्योंकि हम ज़्यादा लोग नहीं हैं, अगर चलो घर में आपके 4 से 5 मेंबर हैं जो रोज़े में हैं तो उनके लिए चलो समझ में आता है कि आपका भरपूर पूरा दस्तरखान, लेकिन हमारा माशाल्लाह फिर भी हम 2 जन भी रहते तो एक से दो आइटम चिकन के रहते हैं, कबाब हुआ, रोल हुआ, देन भजिए होते हैं एंड देन फ्रूट्स होता है और कुछ जैसे तन्नू वो भी ठंडा लेकर आता है, तो वो वैसे तो हम दोनों के लिए भर मतलब आराम से हो जाता है, इवन बच जाता है। ये आते तो फिर ये भी साथ हमारे ये रहते तो हमारे साथ ही बैठ के फिर रोज़ा खोलता। तो ये अभी जैसे जैसे आप देख रहे हो थोड़ा सा सोते होने दीजिए, ये हो गया। उसके लिए जब तक ये प्याज यहाँ पर हो रही है तो मैं यहाँ पे शिमला मिर्च को बारीक बारीक फाइनली चॉप करूँगी। और प्लीज़ बच्चे खेल रहे हैं तो उनकी साउंड को इग्नोर करना, कुछ कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। जो पकड़ने वाला स्टैंड होता है खेकड़ा स्टैंड, जो फेमस है खेकड़ा खेकड़ा, तो वो वाले मैंने उस पे क्लिप पर मैंने उसे स्टैक किया है। अब प्याज में कलर हमें जलाना नहीं है, अब ये जैसे ही हुआ ना, ये आप देख सकते हो कलर, हाँ, तो इसमें अभी हम चिकन डालेंगे, चिकन ऐड करेंगे। एक बड़ा पीस रह गया, इसको मैं 2 में कट करती हूँ। और इसे भी अच्छे से पकने देना है। बोनलेस चिकन होना चाहिए, हड्डी वाला नहीं होना, तो ये ऐसा होगा ही नहीं। हाँ, थोड़ा सा हड्डी वाला, आप जब चिकन चिली बनाने वाले रहोगे तभी आप, अभी मैंने थोड़ा सा फ्लेम हाई किया है। हाँ, तो मैं कह रही थी अगर आप चिकन चिली बनाने वाले रहोगे तो आप उसमें थोड़े से बोन वाले चिकन भी ऐड कर सकते हो, मतलब ज़्यादा नहीं, वो फिर मज़ा नहीं आता। देखिए चिकन ने कलर कैसे चेंज कर दिया, बारीक बारीक चॉप। हमारा एकदम बारीक बारीक आप देख सकते हो, पूरी 1 शिमला मिर्च है। अभी इसमें क्या क्या मसाले जाएंगे, गैस को स्लो करना है,
इसमें क्या क्या मसाले जाएंगे वो मैं आपको बता दूँ। और इसे आराम से चिकन पूरी पके तक ना इसके पूरे मसाले इसमें मिक्स हो जाए, आपको इसे पकाते ही रहना, मतलब वो धीमी आंच पर। अब इसमें जाएगा सबसे पहले ब्लैक पेपर पाउडर, ये जो छोटा चम्मच होता है ना एक भर के पूरा। फिर इसमें जाएगा थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि ऑलरेडी चिकन पे भी मैंने लगाई थी बट उसमें बहुत थोड़ा लगाई थी, तो एक चम्मच, एक और इतना सा थोड़ा सा मिक्स करना है। पानी छोड़ दिया चिकन में। मसाला नहीं लगेगा क्योंकि चिकन अपना पानी छोड़ते रहेगा, तो उसमें मसाला वो टेंशन की बात ही नहीं है, आराम से वो अपना पकते रहेंगे मसाले और हम अपना कर सकते हैं, यू नो पका सकते हैं। फिर उसमें जाएगा सॉस, सॉस अंदाजे से एक से दो चम्मच टमाटो सॉस, सॉरी अगर मैं इसे कुछ गलती हो रही होगी तो प्लीज़ एक्सेप्ट कर लेना, रमज़ान का महीना है, रोज़े में हड़बड़ा रही हूँ, लेकिन माशाल्लाह रोज़े बिल्कुल नहीं पता चल रहे। जबकि हाँ थोड़ा सा स्कूल में दोपहर का टाइम जब होता है तो एकदम से हलक सूख जाता है, लेकिन उसके अलावा बिल्कुल नहीं। घर पर एक बार आ गए तो कुछ भी नहीं। अब इसमें सूखे मसाले जाएंगे, हल्दी बिल्कुल नहीं, रेड चिली पाउडर आधा चम्मच, धनिया ज़ीरा का जो पाउडर होता है मैं मिक्स लेती हूँ वो आधा चम्मच, आधे से थोड़ा ज़्यादा, गरम मसाला आधे से थोड़ा ज़्यादा। आपको चिली फ्लेक्स ऐड करना है तो आप थोड़ा सा स्पाइसीनेस के लिए मैं हाफ चम्मच ले रही हूँ चिली फ्लेक्स। और अब जाएगा इसमें नमक, नमक हमारा रोज़ा रहता है तो ज़्यादा मत डालना, कम लगे तो चलेगा। मैंने इधर ये वाला चम्मच दिखाई दे रहा है, ये वाला चम्मच मैंने हाफ लिया है क्योंकि रोज़े में भी आप ज़्यादा डाल दोगे फिर इफ्तारी खुलने के टाइम पूरा मज़ा किरकिरा हो जाएगा, तो ये अभी चिकन अपना आराम से पकते रहेगा। अच्छा अभी ये जो शिमला मिर्ची है ये अभी नहीं डालना है, जब चिकन थोड़ा बोलते ना हाफ पक जाएगा ना उस वक्त शिमला मिर्ची, और आपको अगर गाजर हो, ग्रेटेड गाजर हो गया, देन कैबेज हो गया, जो भी वेजी आपको वेजिटेबल्स ऐड करने हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। मैं शिमला मिर्ची और कॉर्न ऐड कर रही हूँ, भुट्टा तो वो अभी नहीं करूँगी, वो थोड़ा सा हाफ पकने पर, ठीक है। इसको अभी ढक कर हम साइड में रख देंगे। मैं इधर ट्रांसफर कर दूँगी। फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से बनाना है चिकन को, जो उसका अंदर का स्टफिंग रहता है वो चीज़, तो झटपट से बन जाती है। तो जैसे ही वो ठंडा हो गया तो पैन में से मैंने निकाल के आपको एक कंटेनर में रखना है, तो कैसे ना आप उसको बाद में भी यूज़ कर सकते हो, तो ये मैंने इस तरीके से कंटेनर में रख दी थी निकाल कर। तो आपको जब जब चाहिए इसको आप फ्रिज में रख सकते हो, एंड जब जब चाहिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके आप रोल्स बना सकते हो, ज़रूरी नहीं कि पॉकेट से बनाए, इसके आप रोल्स बना सकते हो। देन इसको पास्ता जब हम बनाते तो पास्ता में भी ऐड ऑन कर सकते हो तो अच्छा लगेगा। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं बनाने के, ब्रेड रोल बन जाएगा। तो चलो मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरीके से अभी इसको जो स्टफिंग जो अंदर की चिकन की वो तो मैंने बता दी, अब इसे हम कैसे क्या क्या यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ अच्छे से। बस मैं इसको अच्छे से होल्ड पे रख दूँ, नहीं तो कल की तरह मेरा फ़ोन गिर जाएगा। एक सेकंड में मिलती हूँ। सो ये मैंने अभी कैसे कैसे करके मैंने यहाँ पर स्टैंड पर रख दिया है मोबाइल को, तो आई होप आपको सारे चीज़ विजिबल है। तो यहाँ पे मैंने लिया है मैदा,
मैदे, दो छोटे चम्मच मैदा, उसमें पानी डाल के उसको ऐसे लोई, जो मैदे की लोई होती है ना, जो हम स्टिकिंग के लिए बनाते, जो स्टफिंग खुले नहीं। देन यहाँ पे लिया है दो अंडे फेंट कर, उसको अच्छे से फेंट दिया। यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स लिया है, और यहाँ पे यही जो अंदर का स्टफिंग का मैंने बताई थी वो है, एंड चीज स्लाइस एंड ब्रेड। तो मैं आपको बताती हूँ कि अभी किस तरीके से करना है। तो आपको ब्रेड लेना है, उसके एजेस को कट करने चारों तरफ से, क्योंकि वो मोटे होते हैं ना, तो फिर वो फोल्ड में तक, मतलब खुल जाते, टूटने की कोशिश। तो इसको ऐसे कट करके हम बेलन के हेल्प से ऐसे करना है, इस तरीके से, ठीक है। और ये ऐसे पतला हो जाएगा, ये देखो। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बाकी के बना के रख दिए हैं, जितने अभी मुझे रिक्वायरमेंट है वो सब मैंने यहाँ पे बना के रख दिए। तो आप इसका हाफ भी ले सकते हो। तो मैं आपको दोनों तरीका बताती हूँ, पहले ये वाला बताती हूँ, ये अखा वाला। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको स्टफिंग ऐड करनी है, एकदम ज़्यादा भी ना करें कि ब्रेड फूट जाए, ठीक है। ये स्टफिंग ऐड किया आपने, अच्छा, इसमें जैसे मैंने कॉर्न ऐड किया है तो ये ऑप्शनल है, तो आप गाजर हो गया, बीन्स हो गया, आप उस कुछ भी ऐड कर सकते हो, जो भी आपको वेजिटेबल्स कन्वीनियंट है। मैंने शिमला मिर्ची एंड कॉर्न का यूज़ किया है। तो अभी चीज़ का थोड़ा सा ऐसे, इतना सा, जो पूरा स्लाइस होता है, ये जिसे आपने अभी देखे कि पूरा स्लाइस है, मैंने इसका हाफ कट करके अभी इसमें आप बीच में चीज़ ऐसे रख दोगे, और यहाँ साइड में ये जो पेस्ट बनाया है मैदे का, वो आपको चारों तरफ लगाना है। आई होप आपको दिख रहा हो, मुझे तो यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, ये ऐसे लगा के आपको इसको एक फोल्ड देना है, ठीक है। अब चारों तरफ से इसे प्रेस करना है इस तरीके से, और या तो आप फोक की हेल्प से इसको ऐसे दे सकते हैं, तो ये फिक्स हो जाएगा। इस तरीके से ये देखिए, जहाँ आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ओपन हो रहा है, तो वहाँ पे आप फिर से थोड़ा सा ये पेस्ट लगाकर उसे बंद कर सकते हैं, तो फूटेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये मैंने एक बना दी। अभी ये हो गया जो पूरे अखे ब्रेड का हमने किया है, ठीक है। अभी इसके हाफ का मैं आपको बताती हूँ। तो ये मैंने अखे ब्रेड का हाफ किया है, ऐसे भी कर सकते हो, ये छोटे छोटे पॉकेट्स हो जाएंगे। और ये जो था ये थोड़ा सा बड़ा, तो आप इसको भी सेम करना है, थोड़ा सा स्टफिंग इसमें, बहुत कम, मतलब ध्यान रख के कि फूट ना जाए, और सेम प्रोसीजर सेम रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हम फिंगर बेस्ट है यूज़ करने, ठीक है। चारों तरफ हम ब्रेड, ये जो पेस्ट है वो लगाएंगे, और फिर इसे फोल्ड कर देंगे, और सेम वे जैसे मैंने कहा, फोक की हेल्प से इसे प्रेस करेंगे, ठीक है। जहाँ आपको लग रहा है कि खुल रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये जो आप पेस्ट लगा दोगे ना, तो वो बंद हो जाएगा, खुलेगा ही नहीं, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये छोटा पॉकेट बन गया।
तो बाकी के भी पॉकेट्स को मैं ऐसे ही रेडी करती हूँ एंड देन मैं आपको मिलती हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे सारे पॉकेट्स हो गए हैं भरकर। कुछ मैंने स्मॉल साइज लिए हैं, कुछ को मैंने बड़े रखे हैं, और अभी मैं बताती हूँ इसको कोटिंग कैसे करना है। और ये जो है ना, ये लास्ट वाला, इसमें सिर्फ मैंने चीज़ को ही स्टफ़ किया है, इसमें चिकन का स्टफिंग नहीं डाला है। तो मुझे वो देखना है कि जब तन्नू खाता है तो उसका मतलब जब वो ओपन करेगा तो उसका एक्सप्रेशन क्या रहते हैं, क्योंकि पूरा चीज़ मेल्ट होगा। तो यहाँ पे हमको अंडे को एक और बार ऐसा फेंटना है, ठीक है। अब इसमें डालेंगे हम हमारे ये पॉकेट्स, ये ऐसे डिप करेंगे अंडे में, और फिर यहाँ से निकाल कर इसको ब्रेड क्रम्स में डालेंगे एंड देन अच्छे से कोटिंग देंगे। इसको ऐसे बनाकर आप फ्रीज़र में भी रख सकते हो, तो जब आपको चाहिए रहेगा तो आप यूज़ कर सकते हो। अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। अगर ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप बटर लगा सकते हो, जो खाने का चाय के साथ बटर होता है वो यूज़ कर सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो जो कॉर्नफ्लेक्स होते हैं सादे वाले विदाउट फ्लेवर, हाँ वो कॉर्नफ्लेक्स भी आप यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये आजकल वो भी ट्रेंड में चल रहा है जो चिप्स होते हैं हमारे सादे, तो आप सादा पोटैटो चिप्स जो होता है वो भी, तो ये ऐसे लगा कर अब मैं यहाँ पर बारी बारी रखूँगी, ठीक है। फिर से सेम करना है, प्रोसेस सेम है, अंडे में डिप करके निकालना है, ब्रेड क्रम्स में डालना है, अच्छे से कोटिंग देना है। ये ना फूल के आएंगे, आप जब फ्राई करते वक्त देखोगे ना तो ये और फूलेंगे। ये अच्छे से कोटिंग हो जाने के बाद इसको मैं वही करूँगी, जब इसे ऐसा जब बच जाएंगे ना, जब लगेगा कि बस इतनी ही ज़रूरत है, क्योंकि हम तो इतना सब नहीं खाएंगे मैं और तन्नू, तो बाकी के जो है मैं उसे फ्रीज़र में रख दूँगी ऐसे कोटिंग के साथ। तो सारे कोटिंग करके मैं आपको मिलती हूँ और दिखाती हूँ फिर। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल भी डाल के रखा है एंड वो ऑयल गर्म हो रहा है, और यहाँ पे अभी मैं आपको फ्राई करके बताऊँगी। ये सारे को मैंने कोटिंग कर दी है, ये देखिए यहाँ पर भी है। तो ये तो इतने बहुत ज़्यादा हो गए, तो इसको मैं फ्रीज़र में फ्रीज कर दूँगी। अभी मैं आपको बताती हूँ फ्राई करके एंड देन उसको ओपन करके भी बताऊँगी कि कैसे होता है अंदर ये चीज़ जब मेल्ट होता है तो किस तरीके का। तो जैसे डाल के देखने हो गया, तो अब गड़बड़ क्या हो गई पता है, फिर मुझे ये पता नहीं चल रहा है। मुझे चीज़ वाला मैंने बनाई थी वो कौन सा है, हाँ ये वाला है चीज़ वाला, पता चल गया पूरा येलो है वो। चलो बिस्मिल्लाह, धीरे धीरे बड़े केयरफुली छोड़ना है, मुझे वैसे ही बहुत डर लगता है कि ऐसे फ्राइंग वाले आइटम क्योंकि बहुत बार चटका लग चुका है। एक बड़ा वाला भी डाल के देख लेते हैं, दैट्स इट। बाकियों को हम पीस कर देंगे। वो कर देंगे, कलर देखिए कैसा चेंज हो रहा है। इसको हम निकाल लेंगे ध्यान से,
ये देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तीन बड़े तो दिख रहे हैं, आई थिंक ये वाला चीज़ का है। तो मैं आपको बताती हूँ, ये एक बार हो जाने दीजिए। ये भी हो गया अच्छे से एकदम क्रिस्पी, पूरा तेल निकालना है क्योंकि ये ब्रेड है। एक और आप डाल दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग कितना मंथ कितना आपको फ्राई करना है, बाकी का आप रख सकते हो। ये बन के रेडी हो चुका है, अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि अंदर कैसे हुआ है। पूरा क्रिस्पी देखिए, बहुत गर्म है यार। चीज आप देख सकते हो फ्रेंड्स, है ना। अभी इफ्तारी में हम खोल लेंगे इफ्तारी तल्लू की, तो माशाल्लाह तल्लू खुश हो जाएगा देखकर। ये पूरा चीज़ वाला जो मैंने बनाई थी वो, अब मैं आपको चिकन वाला भी बताती हूँ। इसको टर्न करना है और अभी चिकन वाला बताती हूँ। ध्यान से, बहुत गर्म है। ये देखिए, इसमें भी चीज़ जो हमने स्टफिंग की थी वो भी है देखिए। सो ये वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर। मैं थोड़ा सा कैमरे को इधर टर्न कर लेती हूँ। सो ये वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर। मेरे जो ये चिकन पॉकेट्स हैं, एक सेकेंड, तो ये कैसे लगे। इजी एंड सिंपल रेसिपी है। आप अगर उसका बस जो स्टफिंग होता है वो अगर आप बना के रख दोगे, अभी मेरा काफ़ी स्टफिंग बच चुका है, तो वो स्टफिंग का आप आराम से बाद में पास्ता में हो गया या फिर जैसे मैंने बताई रोल्स में हो गया, ब्रेड रोल्स में हो गया, तो उसमें आप कर सकते हैं। ये पूरा मेरा बन चुका है, अभी हम इफ्तारी के लिए रेडी हो करते हैं सब कुछ सामान, खजूर फ्रूट्स, अभी भजिए तल दूँगी ठीक है। तो चलो फिर, अगर ये वीडियो पसंद आ गई होगी तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए एंड ट्राई करना भूलना नहीं कैसी लगी ये रेसिपी बना के। अगर बनाओगे तो प्लीज़ शेयर करना एंड कमेंट्स करना। चलो बाय बाय।